हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। पूरी तरह से नहीं ठीक हूँ और यहाँ मेरी चाय बन रही है, तो मैं चाय निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। और मैं इधर उधर मुड़कर देख रही थी कि मैं चाय किस में लूँ, तो गिलास मुझे नहीं दिख रहा था। ये ले लिए मैंने अपनी चाय, क्योंकि शाम टाइम है, गला भी ख़राब है। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो कल अंकल जी आए हुए थे, हमारे अंकल जी आए हुए थे, तो उन्होंने ये होम्योपैथिक दवा दी है। आते तो सबसे पहले उन्होंने जो सिरप टाइप में होता है, तो उन्होंने मतलब मेरी जीभ में डाला, तो तुरंत ही मतलब आराम मिल गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये दवाइयाँ दे गए थे और बोले थे कि थोड़ी थोड़ी देर में इसको खाते रहना, तो जुकाम वगैरह जो है इससे ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल कल से तो आज काफ़ी राहत है। कल तो मेरी बहुत भाई हालत ख़राब थी, यानी कि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर कुछ कर सकूं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मेरे बाबू ने ऑनलाइन अपने लिए चप्पल मंगाई थी, तो वही चप्पल आई हुई है, तो बाबू मेरे देख रहे थे। तो ये अमेज़ॉन नहीं है, इन्होंने मंगाई थी शॉपसी से, वहाँ से भी काफ़ी मतलब अच्छी चप्पल मिल गई है और काफ़ी अच्छी कीमत पर, यानी कि कम रेट में। तो ये चप्पल देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लग रही है हमारे बाबू की ये चप्पल। ऐसी एक चप्पल इन्होंने पहले भी मंगाई थी अमेज़ॉन से, लेकिन उसे क्या था कि उसमें जैसे ये चिपकाने वाली है ना, तो वो चिपकाने वाली नहीं थी, बट इसमें चिपकाने वाली है। आप चाहे इन्हें ढीला कर सकते हो या टाइट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा आप जी चाहे तो वैसा पहन सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद आई और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे की है, क्योंकि उस दिन फिर मैं आगे वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि तबीयत गड़बड़ थी, थोड़ी ठीक थी थोड़ी गड़बड़ थी, तो इस वजह से आगे नहीं बना पाई। और फिर ये नेक्स्ट डे की है, तो यहाँ पर बाबू को मेरे भूख लगी थी, तो शाम का मैं नाश्ता बनाने आई थी, तो उनके लिए पकौड़ियाँ बना रही थी, आलू वाली, जैसी कि मैं बनाती हूँ, बेसन का घोल बनाकर और आलू को गोल गोल काट कर इसी में डिप कर करके मैं निकाल ले रही हूँ। तो बेसन का घोल बनाने के लिए बेसन है, और इसमें मैंने आज थोड़ा मैदे का यूज़ किया है, और नमक है, जीरा है, हल्दी है, हींग है, थोड़ी सी पीसी मिर्च है। तो और मतलब कि मैदा यूज़ किया है, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ और बाबू को मैं रोक रही थी इस जगह कि रुको, तो पड़ोस में एक लोगों के यहाँ बर्थडे पार्टी थी, तो बाबू वहीं जा रहे, बाबू मतलब उनके बच्चे के लिए गिफ्ट लेने जा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं गरम गरम निकाल ली हूँ, सबसे पहले इसको खा लो फिर उसके बाद जाओ। तो बाबू बोलते हैं नहीं, मुझे अभी जाना है, तो वो चले गए थे। तो मेरे यहाँ आए हुए थे एक गेस्ट थे LIC वाले, तो वो आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम पर आ गए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये पकौड़ियाँ निकाल देती हूँ। तो ये पकौड़ी निकाल कर रख ली, और उसमें क्या है, मैंने मसाले वाला नमक अपना मिला दिया है, और एक साइड में चाय हमारी गर्म हो रही है, और ये सारी पकौड़ियों को मैं निकाल लूँगी। और लास्ट में मैंने क्या किया था कि पकौड़ियाँ निकालते निकालते तेल भी हमारा ख़त्म हो गया था, एकदम मात्र थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, और बेसन का घोल बचा था, उसमें 3-4 आलू मतलब कटी हुई पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्या करती हूँ कि इसको चिल्ला टाइप में ही बना लेती, तो उसी कढ़ाई में मैंने उसको बेसन के घोल को डाल दिया था, और उसी में आलू थी, तो उसको अच्छे से मैंने मतलब खूब अच्छे से इसी कढ़ाई में मैंने सेक लिया था, और बाद में उसी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। इतनी लाजवाब वो सब्ज़ी बनी हुई थी
बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई थी। तो चलिए यहाँ पर मैं चाय निकाल लेती हूँ और पकौड़ियाँ दे आती हूँ चलकर। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय और पकौड़ी खाने के लिए। मुझे अधिकतर इस तरह से गोल आलू की और पकौड़ी, या तो बैंगन की पकौड़ी या तो प्याज की पकौड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर मैं उसी जो जिसका मैंने बताया था आप लोगों से कि मैंने चिल्ला टाइप में बनाकर उसको एक कटोरी में करके रख लिया है, तो अब मैं उसी की सब्जी बनाने आ गई हूँ। तो वाकई में ये सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैं मतलब बता नहीं सकती, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तेल डाला है थोड़ा सा, और उसमें जीरा हींग का तड़का लगा दिया है, प्याज डाल दिया है और दो टमाटर डाल दिए हैं, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला नमक ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने बेसन बेसन का चिल्ला बना कर रखा हुआ है चिल्ला पकौड़ियों टाइप में, तो उसको अब मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा पानी डालूंगी। मैं सोच रही थी कि इसके साथ रोटी बनाऊंगी, लेकिन पतिदेव बोले नहीं चावल खाना है मुझे, तो फिर मैंने चावल बना दिए थे। क्योंकि बाबू की पार्टी अलग थी, तो उनका जहाँ बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ उनका खाना पीना था और मुझे खाना नहीं था, तो मुझे क्या पकौड़ियाँ वगैरह खा लिया था, तो पेट मेरा वैसे भी भर गया था। अब पति देव को चावल चाहिए था तो मैंने चावल फिर बना दिया था। वैसे मैंने रसा रोटी के हिसाब से बनाया था, और गाढ़ी हो गई थी सब्जी तो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग भी चाहें जब पकौड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो एक बार ऐसे ट्राई जरूर कीजिएगा, चाहे प्याज की पकौड़ी का हो और चाहे आलू की पकौड़ी का हो, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए ये सब्जी मेरी कितनी अच्छी लग रही है, और ऊपर से मैंने दे दी इसकी लास्ट टचिंग, यानी कि अपना वही हरी धनिया, और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही है, और रोटी के साथ तो एकदम मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है।